हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ दो बातें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले कि काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे होंगे कि हम जो मेंस के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं। देखिए, आप जितना अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, आप ये देखो कि क्या उतना एक्यूरेट है। आप ये मत सोचो कि मुझे 160 अटैम्प्ट करने हैं या फिर 150 अटैम्प्ट करने हैं। आप ये सोचो, अगर आप 100 भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो क्या वो सही है? इस बात को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मेंस में कम मार्क्स आ रहे हैं अभी हम जो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, और हमारा जब वहाँ पे जाके क्या यही हाल होगा जो मतलब यहाँ पे इतने कम स्कोर आ रहे हैं, मान लो 60 आ रहे हैं या फिर 70 आ रहे हैं। देखिए, आप मॉक टेस्ट के बेस पे ये एज्यूम नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा। एग्ज़ाम जो अभी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो उससे ईजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। आप दिमाग में हमेशा यही सोच के चलो कि आप कर लोगे, ठीक है? आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही है, आप ही ये एग्ज़ाम क्रैक करोगे। बस आप यही सोच के चलो। अब ये मत सोचो कि क्या मैं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, ठीक है? बस आप ये सोचो कि आपको सिर्फ बस RRVPO की एक सीट चाहिए। डजेंट मैटर आप कितनी सीट्स हैं, आप एक सीट के लिए बने हुए हो, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों को मत देखो। आपकी अभी जिस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है ना, मतलब जिस तरीके से आप अटैम्प्ट कर रहे हो मॉक्स को, देन उसका एनालिसिस कर रहे हो, आप उस तरीके से करते जाओ। इन फालतू चीज़ों पे सोच सोच के वक्त बर्बाद मत करो। जब मॉक टेस्ट आप सबमिट करते होंगे ना, तो आपको लगता होगा कि सिर्फ 70 मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ तो इतनी गई हुई थी लास्ट ईयर, पता नहीं मेरा क्लियर होगा भी या नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा वहाँ पे। ये चीज़ें मत सोचिए, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आपको नहीं पता है, तो इन फालतू चीज़ों पे सोच सोच के अपना वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ियत है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है? आप खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि खुद पे यकीन रखना ही सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैं आपसे एक छोटी सी और बात शेयर करना चाहती हूँ। जो मेन मैंने ऊपर हेडिंग डाला था मॉक टेस्ट एनालिसिस, अगर आपने कोई क्वांट के चैप्टर स्किप किए हुए हैं, ठीक है, और आप मॉक टेस्ट में उनका एनालिसिस कर रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि पता क्या है, आपने जिस चैप्टर का बेसिक ही नहीं पढ़ा हुआ है, आपने जिसको बिल्कुल ही स्किप किया हुआ है, और आप उसका मॉक टेस्ट में एनालिसिस कर रहे हो, तो आप खुद बताओ क्या वो आपको समझ आ रहा है? आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आपको एनालिसिस किस तरीके से करना है, ठीक है? सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं जिनमें कम टाइम लगता है, मैं उनको कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि देखो, GA का सेक्शन है, अब ये आप पूरे का पूरा आप इसको एनालिसिस करते हो, ठीक है? तो आप जो मॉक टेस्ट पढ़ रहे हो उसमें दो दो बार, जो मतलब 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको दो दो बार रिपीट करके पढ़ो इसको, जिस टाइम आप इसका एनालिसिस करोगे, ठीक है? सेम एज इट यही कंप्यूटर में है। आप कम से कम दो दो बार ना, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना एनालिसिस करते टाइम, उनको दो दो बार पढ़ो, ठीक है? जब इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, देन उसको हिंदी या इंग्लिश, आपको जो भी सब्जेक्ट चुनना है, आप उसका एनालिसिस कर लो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। मेरे हिसाब से रीजनिंग सभी ज़्यादातर अटैम्प्ट कर ही लेते होंगे, मिनिमम 20 तो सभी कर लेते होंगे। उसके बाद क्या आता है? पजल्स। अब देखो, आप सभी को पता है पजल्स किस तरीके से होती है। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, पैरेलल लाइंस में होती है, या फिर नॉर्थ और साउथ में जो फेस करते हैं पर्सन वो होते हैं, वेरिएबल दे दिए होते हैं साथ में कि इस पर्सन को ये पसंद है, ऐसे पसंद है, ठीक है? और जो इन ये वाले होते हैं, ये सिंपल ही आती हैं, इनमें इनर आउटर उन्होंने फेस किया होता है, और साथ में एक एक वेरिएबल ऐड कर देंगे। ईयर बेस्ड होती है और डेज बेस्ड, एज बेस्ड। कम से कम आपको ये सब तो पता है ना कि पजल्स इस तरीके से आती हैं। और यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी ऐसा पर्सन ही होगा कि जिसने क्या है सारी की सारी पजल्स कभी बनाई ना हो। जिस भी टीचर से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपने की होगी, या फिर आप अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, देख रहे होगे कि हर मॉक टेस्ट में चार चार पांच पांच पजल्स आ रही हैं। तो आपने हर एक तरीके की जो मैंने अभी पजल्स बताई हैं, हर मॉक टेस्ट में बार 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 रिपीट होती होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे तो आपको अगर कोई पजल्स आपसे नहीं बन रही है, आपने मॉक टेस्ट में छोड़ी हुई है, तब आप एनालिसिस करते टाइम उस पजल को बनाओगे ही। क्यों? क्योंकि देखो, आपने एटलीस्ट पजल तो आपको पता है ना। अगर मान लो ईयर बेस्ड पजल आई हुई है, एक बार आपने अटेम्प्ट करके देखा, आपसे नहीं बनी, ठीक है, आपको पता तो है ना कि ईयर बेस्ड में किस तरीके से बनाते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 1997, देन उसको आपको जो भी ईयर दिया होगा, मान लो 2022 दिया होगा, उसके बेस्ड पे ना उसको कैलकुलेट करके लिखना होता है, फिर सामने पर्सन की एज लिखनी होती है, जिस भी तरीके से आपको इतना तो पता है ना।
आप मॉक टेस्ट में नहीं बना पा रहे हो वो अलग चीज़ है। डेफिनेटली आपको पता है तो आप इसका एनालिसिस करोगे, आप उसको बना के देखोगे। मॉक टेस्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं खुद भी छोड़ देती थी, जो एजम्पशन वाले होते हैं, कंक्लूजन वाले होते हैं, जो केसेस में दिए होते हैं 1 और 2 में। ठीक है, आपको समझ आ रहे हैं ना तो आप कर सकते हो। तुक्के लगाने वाला काम बिल्कुल मत करना कि गैस लगा रहे हो, फर्स्ट हो सकता है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ हो सकता है। अगर आप श्योर हो तभी करना, पर मैं ये अजम्पशन और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन वैसे करती ही नहीं थी ना, क्योंकि मैं इनमें श्योर नहीं होती थी। और आपने शुरू से यही सुना है, मैं वीडियो में यही बोलती हूँ कि मुझे नेगेटिव मार्किंग करवाने का कोई भी शौक नहीं होता था। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे और जब भी मॉक टेस्ट लगाती थी ना, मैं कभी भी अजम्पशन और कंक्लूजन इन सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का कभी भी एनालिसिस भी नहीं करती थी, क्योंकि जब मैंने उनके बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, मुझे नहीं पता उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्या रूल्स होते हैं उनके, तब मैं एनालिसिस करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि जब मुझे वो आता ही नहीं है। ठीक है, बस यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप एनालिसिस भी उसी चीज़ का करो जो आपको पता है। अब मुझे ये चीज़ कभी भी नहीं पता थी, तो मैं इसको मॉक टेस्ट में, आप 2 बार दिन में मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मान लो 3 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो फिर क्यों आप इस पे टाइम वेस्ट करो। देखिए, आप कहते हो कि हाँ हम गेस करके हमारा बीच बीच में मॉक टेस्ट में सही भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, तो वो आपकी मर्जी है। उसमें मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप मत करो, मैं सिर्फ अपना शेयर कर रही हूँ, सेम एज इट। अब मैं एक चीज़ आपके साथ क्वांट की शेयर करने वाली हूँ। देखो क्वांट में सभी के सभी चैप्टर्स हर कोई पर्सन प्रिपेयर नहीं करता है, यहाँ तक मुझे लगता है। अगर ठीक किसी ने सभी के सभी चैप्टर प्रिपेयर करे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब क्वांट का क्या है, अगर आप एक दो चैप्टर स्किप भी कर दोगे ना तब भी चलता है। अब जैसे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट ही सीखना पड़ता है बेसिक सा, चाहे इसके क्वेश्चन आए चाहे ना आए, देन उसके बेस पर उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीख पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले सीखना पड़ता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो ठीक है, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए हुए थे, इनके रूल्स वगैरह बेसिक्स जो भी था जिस भी तरीके से था, तो सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने प्रिपेयर कर रखा था। और कंपाउंड इंटरेस्ट बस बेसिक बेसिक सी चीज़ें पता थी, अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। प्री में मैं सारे के सारे क्वेश्चन कर लेती थी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बट मेंस में मैं इतना नहीं कर पाती थी क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। एक तरीके से बता दूँ तो मैंने छोड़ा हुआ था ये, बस मैंने बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हुई थी। अब क्या था, मान लो मेंस में कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन अभी मॉक टेस्ट में आ रहा है, मान लो 2 क्वेश्चन आ गए। अब क्या है, मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं आता है, तो मैं मेंस में मान लो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँगी, मैं उस टाइम देख लूँगी कि हाँ क्या ये जो बेसिक चीज़ें मुझे आती हैं उनसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा ना तो मैं उन्हें छोड़ देती थी, तो मैं उनका एनालिसिस भी नहीं करती थी। मेन चीज़ मैं बताना क्या चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये तो चलो मुझे थोड़ा बहुत आता था, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, और मैं क्या है यहाँ पे मेंस में जिस टाइम मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ उसका एनालिसिस करते टाइम मैं इन क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रही हूँ, तो ये बेवकूफ़ियत है। क्योंकि आपको भी पता है जब वो आपने चीज़ पढ़ी नहीं है कभी, आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो फिर उनको उस चीज़ को एनालिसिस करना बेकार है। आप खुद बताओ एग्ज़ाम में इतना टाइम होगा आपके पास क्या, जो आपने कभी चीज़ें पढ़ी नहीं है, ठीक है, जिसका बेसिक तक भी आपको पता नहीं है, और आपने बस उसका एनालिसिस करके गए हो यहाँ पे मॉक टेस्ट में, और वहाँ जाके कर सकते हो। आप उतना ही एनालिसिस करो जितना अगर आपको पता है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपने कोई चैप्टर 60% पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने पूरा प्रिपेयर नहीं किया, फिर भी थोड़ा बहुत आपने कोशिश करी, नहीं निकला, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपसे, देन उसके बाद आप एनालिसिस करते टाइम देख सकते हो कि ठीक है क्या ये बेसिक से हो सकता था जितना मैंने पढ़ा हुआ था, या फिर उससे एक लेवल अप है, आपने कुछ तो पढ़ा है ना, इसलिए आप एनालिसिस करते टाइम थोड़ा बहुत अपना माइंड लगा सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है, ये बेसिक रूल या फिर बेसिक चीज़ ऐसी थी, ये सोल्व हो सकता है। अरे जिस चीज़ की आपने प्रिपरेशन बिल्कुल करी नहीं है आप उस पर टाइम वेस्ट कैसे कर सकते हो। यही कहना चाहती हूँ, अगर किसी ने कोई चैप्टर स्किप किया हुआ है मान लो, उसका मॉक टेस्ट में एनालिसिस करो, तो आप खुद बताओ आपको जिस चैप्टर का जिस टॉपिक का उसका बेसिक नहीं पता है, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसका एनालिसिस देख रहे हो, तो प्लीज आप टाइम वेस्ट मत करो, कहने का मतलब यही है। फिर भी देखो लास्ट में मैं एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आप सब अपनी मर्जी करो, ठीक है ना, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम एनालिसिस करेंगे ही, चाहे हमने नहीं प्रिपेयर किया है, हमने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, फिर भी उसके बावजूद हम एनालिसिस करेंगे, तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेरी बात सुन के उसमें एनालिसिस करना बंद कर दो, आपका मन है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।